हाय फ्रेंड नमस्कार, एग्जाम अनलॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये सुपर एलडीसी बैच का टेस्ट नंबर 4 है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं आज। तो आज इसमें जो क्वेश्चन है उनका मैंने लो लेवल दिया है बिल्कुल, और लो लेवल इस तरीके से दिया है कि आपके गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में, क्योंकि कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चनों को। और अगर ईजी क्वेश्चन आए तो आपके 50 में से मान लो एक दो क्वेश्चन भी आपने रॉन्ग कर दिए तो आप हज़ारों की संख्या में पीछे चले जाओगे। अगर हार्ड क्वेश्चन आए और टफ क्वेश्चन आए तब तो मेहनत करने वाला आगे ही होगा, लेकिन अगर पेपर इजी आ गया और आपने एक दो क्वेश्चन मिस कर दिए तब नुकसान हो जाएगा मेहनत करने वालों का भाई। फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा आपको ध्यान देने के किस तरीके से। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन चलते हैं हम कि पेज में हेडिंग को सेंटर लाइन, फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर येलो देना है। एक ही क्वेश्चन में 4 दे दिए। हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी, स्क्रीन के साथ में उसको रख लेना और आपको अप्लाई करना है एक एक क्वेश्चन। पहले उसको सेंट्रलाइज करना है, हैंडिंग को सेलेक्ट करने के बाद सेंट्रलाइज करना है, फिर पेपर पे जाना है, फिर फॉन्ट साइज 18 देखना है, फिर कलर देखना है। इस तरीके से 4 बार आपको पेपर में देखे सेकेंडों में ये काम करना है, और फिर आपको पूरा टैली कर लेना है, मिला लेना है वो क्वेश्चन देखने के बाद भी कि वो क्वेश्चन मैंने अप्लाई कर दी वो चीज़ें। तो तसल्ली से करना है, और आपके इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप सफिशियंट 10 मिनट में सफिशियंट आराम से तरीके से कर सकोगे उन क्वेश्चनों को। ये हम हेडिंग पर चले गए, डॉक्यूमेंट्स की हेडिंगें सेलेक्ट कर ली मैंने, इसको सेंटर अलाइन कर लिया और इसकी फॉन्ट साइज 18 कर ली। 4 क्वेश्चन हैं लेकिन एक एक दो दो क्लिक में हो जाएंगे सारे। और इसका जो फॉन्ट कलर है ये मैंने ग्रीन कर दिया इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। तो फिर आपको टैली भी करना है कि ये करने के बाद में, और गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन करने के बाद में फिर आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड पैराग्राफ को लेफ्ट एंड राइट इंडेंट दे रहे हैं 0.3 एंड ऑल बॉर्डर देना है। देखो इस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, कॉमन गलती जो लोग करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ये टेस्ट लेने से पहले ही बता रहा हूँ मैं आपकी कॉमन गलती क्या होगी। ये हम पहला पैराग्राफ, ये दूसरा, और इजीली हमने ये तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। और ये पैराग्राफ के हम डायलॉग बॉक्स में चले गए, ये छोटी संख्या है 0.3, तो इसको नीचे से 3 क्लिक में सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कर दिया आपने, ओके कर दी। अब मैं आपको क्वेश्चन जैसे आपको करना है तरीका पहले वो बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि आप गलती क्या करोगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पीटी वगैरह कुछ नहीं दी, कलर वगैरह कुछ नहीं दी, तो जो भी है उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ क्लिक करना है और आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। ये तो हो गया भाई आपका क्वेश्चन। अब थोड़ी सी सुन लें कि आप गलती क्या करोगे। देखो कुछ लोग सोचेंगे भाई इसमें इनसाइड जो है वो बॉर्डर है ही नहीं, तो हम इसको बॉक्स बॉर्डर देंगे, पैराग्राफ के ऊपर तो बॉक्स बॉर्डर ही आती है। तो अब मैं उनको कुछ दिखाता हूँ जादू। देखो मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद में, ऑल बॉर्डर पे तो क्लिक नहीं हुआ, क्लिक तो आउटसाइड बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन इन दोनों इनसाइड पे भी क्लिक हो गया। देखो ये हाईलाइट हो गया। अब मैं अगर इसको ओनली आउटसाइड पर क्लिक करता हूँ, अब मैंने ओनली, देखो बैक जाता हूँ मैं, इसको नन कर देता हूँ मैं, नन कर दिया मैंने, और अब मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर पर मैंने क्लिक कर दिया। आउटसाइड क्लिक करने के बाद में देखो अभी इनसाइड हाईलाइट नहीं हो रहा है, और अब ये नहीं हो रहा इनसाइड, इसका मतलब आपने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करा है। अब देखो मैं कर रहा हूँ आल बॉर्डर पर क्लिक, आल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद में देखो ये इनसाइड के ये दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हाईलाइट हो चुके हैं, यानी अब सही तरीके से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑल बॉर्डर नहीं है, और हमको पीटी और कलर सेलेक्ट करने के बाद में ऑल बॉर्डर देना है, तो आपको कुछ नहीं करना। अब हम करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर ऑप्शन में चले गए, उसके बाद में आपको जो कलर लेना है, जो कलर लेना है आपकी मर्जी, ग्रीन कलर लेने, यहाँ मेरे को इसमें 4.5 पीटी लेना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ऑल बॉर्डर देने है ना, इसमें ऑल बॉर्डर अंदर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में बाहर से जाके क्लिक करके ऑल बॉर्डर देना है। तो जो आपने अब सेटिंग अंदर अप्लाई करी थी वो सारी अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे और ढूंढते रहेंगे पता नहीं ये कहाँ क्या है। पेज को 10 बैकग्राउंड कलर 2 देना है, सीधा आपको पेज कलर में जाना है, और देखो ये बैक ब्लैक की राइट में यहीं है 10 बैकग्राउंड 2। एक चीज़ मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी टैब में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं आपको इनको रट लेना है, ये छोटी छोटी बच्चे जैसी चीज़ें हैं ये वहाँ गलत होने के ज़्यादा चांस होंगे आपके, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो बहुत आपको दिक्कत आने वाली चीज़ है।
अब देखो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपकी कई सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कराऊंगा कि पेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वाटरमार्क लगाएं। अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग क्लियर हैं कि कंफ्यूज हैं कि सर ये अपोस्ट्रोफी भी साथ में लेनी है कि नहीं भाई, ये अपोस्ट्रोफी छोड़नी है देखो साइड में, अपोस्ट्रोफी के बीच से बीच का जो शब्द है वो लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है जैसा डिट्टो इसके बीच में स्पेस है उसी तरीके से बीच में, जैसे ढापे नीचे बिंदी है उसी तरीके से लेना है, ओपे अनुसार है तो बिल्कुल लेना है, नहीं तो आपके ओपे अनुसार नहीं लगाया सारी मेहनत बेकार, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। और अब आ गए हम फाइल में और देन पेज लेआउट, वाटरमार्क, वाटरमार्क ये कस्टम वाटरमार्क, इधर हम पिक्चर लगा सकते हैं, अगर कोई ऑलरेडी वाटरमार्क लग रहा हो तो उसे नो वाटरमार्क कर सकते हैं। और हमने ये टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक कर दिया, अब इसमें हमने हिंदी, इसमें देवलाई सिस्टम, इसको डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद बी दबाएं अपना आप आ जाएगा देवलाई सिस्टम, और इसमें अब जो लिखा है डिट्टो वो टाइप करना है आपको। और ये अब हमने टाइप कर दिया, इसमें जैसे भी हिंदी में लिखते हैं उसी तरीके से टाइप करना है। अब आपको यहाँ कोई भी सेटिंग्स नहीं छेड़नी है, ये टाइप करने के बाद में अगर कुछ नहीं दिया है एक्स्ट्रा कि कलर क्या देना है, साइज़ क्या देनी है, सेमी ट्रांसपेरेंट देना है कि नहीं देना है, ओरिजेंटली देना है ये डायगोनल देना है, कुछ भी आपको सेटिंग्स नहीं छेड़नी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में, जैसा भी आपको दे रखा हो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में, हिंदी या इंग्लिश जैसा भी फॉर्मेट मिले उस फॉर्मेट में टाइप करके और सिर्फ अप्लाई कर देना है, आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको दिखाई दे नहीं दिखाई दे कोई भी कलर वगैरह कुछ नहीं छेड़ना है। एकदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो मैंने कलाकारी करी है, पढ़ाओ नहीं लिखा, कुछ लोगों के टैग ये रट रहा होगा तो बैक ही जी के पैक कर देंगे बढ़ाओ, ओके अनुसार नहीं लगाएंगे तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जो लिखा हो डिट्टो जैसा फॉर्मेट में लिखा हो डिट्टो इसी फॉर्मेट में एज इट इज आपको टाइप करना है, हिंदी हो हिंदी इंग्लिश हो इंग्लिश। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेज में कंजर्वेटिव हेडर इंसर्ट कर, हेडिंग में एग्जाम अनलॉक और उसके नीचे डेट इंसर्ट करनी है। अब देखो यहाँ मैंने फिर दिक्कत कर दी, यहाँ देखो ए के बाद में आधा गे नहीं दिया, एग्जाम के बाद में मैंने स्पेस नहीं दिया, तो आपको बिल्कुल एज इट इज डिट्टो ही टाइप करना है और आपको कुछ नहीं करना। अब हम आगे फाइल पर, फाइल में हमको इंसर्ट में डबल क्लिक से हेडर सेलेक्ट नहीं करना है, याद रखना वहाँ डबल क्लिक काम करे नहीं करे हेडर पता नहीं, आपको इंसर्ट में जाके हेडर पर क्लिक करना है। और ये मैंने डिफ़ॉल्ट चूज किया है तो इसमें बाहर से डिफ़ॉल्ट चूज करना है, और अगर कुछ टाइप वगैरह करना है तो एडिट फुटर करना है, आपको एडिट के बाद में ले सकते हो। देखो ये कंजर्वेटिव यही है और ये अपने क्लिक कर दिया, अब देखो इसमें हेडर और डेट का ये अपना आप ऑप्शन आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करा देखो अपना आप टाइटल आ गया। अब मैंने जैसा आपसे लिखवाया था बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, देखो आधा के जाए और स्पेस नहीं देना है, यानी जिस तरीके से कोई भी स्पेलिंग या वो करेक्टर जैसे लिखा है बिना स्पेस के लिखा है स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखा हो उसको उसी तरीके से लिख देना है। अब हमको नीचे क्लिक करना है डेट पर, डेट का हमको फॉर्मेट नहीं दिया है कुछ भी तो कुछ नहीं, यहीं से जाके डिफ़ॉल्ट जो भी है 28 पर क्लिक कर देना है और बिल्कुल छोड़ देना है, यहाँ से क्लोज कर देना है हेडर को। अब ये हिंदी में आए इंग्लिश में आए कुछ नहीं करना है हमको, अगर हमको फॉर्मेट दे दिया जाए, मान लो फॉर्मेट दे दिया जाए कि 28/08/2019 इस तरीके से, सॉरी ये 08, अगर ये फॉर्मेट दे दिया जाता तो जब तो बिल्कुल हम यही फॉर्मेट उसमें टाइप करते या वहाँ से इंसर्ट करते या फिर उसको इस तरीके से हिंदी में लिख देते अगस्त, तो हमको कोई फॉर्मेट नहीं दिया तो हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जिस तरीके से कहा है क्लिक करने के बाद में, जब ऑटोमेटिकली हमने क्लिक कर दिया, यहाँ हमने क्लिक कर दिया ऑटोमेटिक डेट का आ रहा है इंसर्ट करने का, तो भाई यहीं से इंसर्ट कर दो जैसा भी है। ये फॉन्ट की दिक्कत यहाँ है, वहाँ दिक्कत नहीं होगी, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको, वहाँ सब कुछ सेट होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं। अब प्रथम पैराग्राफ को इम्बोस इफेक्ट, आल केप इफेक्ट तथा फॉन्ट शैली को रेगुलर करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं फाइल पर, ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया और ये फॉन्ट हम डायलॉग बॉक्स में चले गए, ओनली 3 क्लिक में ये क्वेश्चन हो जाएगा। इम्बॉस पर क्लिक करना है और ऑल कैप पर क्लिक करना है और ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज करनी है रेगुलर, ये रेगुलर पर क्लिक करना है और आपको देन ओके कर देना है, बहुत इसको देख लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है आपको, एक भी स्टेप में गलती नहीं करनी है। फिर एक इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, टेबल में हेडर रो को सेंट्रल लाइन करना है,
डबल स्ट्राइक थ्रू कर उसको ब्लू कलर का फॉन्ट देना है और हेडर रो को टेबल से स्प्लिट करना है। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज यहीं होंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज यहीं होंगे, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर। ये हम आ गए टेबल पर। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टेबल की जो टॉप की ऊपर की होती है उसको हम हेडर रो कहते हैं। अब देखो ये हेडर रो पे हमने कर्सर छोड़ा, लेआउट में गए, सेलेक्ट रो, पूरी हेडर आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। अब देखो इसमें टेक्स्ट को सेंटर देना था, लेकिन जो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट है इसमें देखो ये टॉप है, टॉप लेफ्ट सेंटर और राइट, फिर ये सेंटर के हैं अलाइन, सेंटर लेफ्ट सेंटर 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 राइट, फिर ये बॉटम के हैं बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर बॉटम राइट। हमको क्या मांगा था, ओनली क्या बोला है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि सेंटर अलाइन देना है सेंटर रो को। तो अब होम में जाके हम डायरेक्ट इसको सेंटर अलाइन दे देंगे, ठीक है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है हमको। फिर इसको हमको क्या करना था, डबल स्ट्राइक थ्रू करना था, और ये हमने जाके डबल स्ट्राइक थ्रू कर दिया। एक एक क्वेश्चन देखना है, आपके पेज होगा आपके हाथ में, वहाँ हार्ड कॉपी होगी, क्वेश्चनों की स्क्रीन के बगल में रखना है और एक एक बिल्कुल प्यार से आराम से करना है, आपके पास सफिशियंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी हेडर सेलेक्ट ही है, फिर इसको ब्लू कलर का फॉन्ट देना है। यह हम फॉन्ट में चले गए और ये हमने ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब तो ये आपके सारे इफेक्ट इस पर लग चुके हैं फॉर्मेटिंग। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि जो हेडर रो है हेडर रो को टेबल से स्प्लिट करना है। अब आपको क्या करना है, देखो ये इसको ऊपर अलग करना है हेडर रो को, और ये नीचे वाले सारे मैटर को हमको अलग करना है। तो जो अलग करना है ना उसके टॉप में कर्सर छोड़ दो और आप स्प्लिट पर क्लिक कर दो इस तरीके से, और ये हेडर आपकी, अब ये टेबल दो हो चुकी हैं, ये टेबल वन और ये टेबल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आठ है, सात क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है कि जो द्वितीय टेबल है अभी जो स्प्लिट होने के बाद में, जो द्वितीय टेबल की द्वितीय रो को 3PT ग्रीन कलर का इनसाइड बॉर्डर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़ा तीखा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। ये सेकेंड टेबल आपकी नीचे वाली, ये सेकेंड टेबल हो गई, सेकेंड टेबल की सेकेंड रो देखो, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकेंड रो ये हो गई, और हमको अब सेकेंड रो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो ये सेकेंड रो है ना, इस सेकेंड रो को 3PT ग्रीन कलर की इनसाइड बॉर्डर देना है। क्या देनी है, इनसाइड बॉर्डर देनी है। अब ये मिलेगी हमको डिज़ाइन में। अब मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ शेडिंग में पहुँचने के बाद में, बॉर्डर कर हम ऑप्शन में चले गए। पहला तरीका, ये बॉर्डर का हम ऑप्शन में चले गए। ऑप्शन में जाने के बाद में सबसे पहले आपको इनसाइड जो बॉर्डर है वो देनी है, तो उसको सबसे पहले हटा देना जो आपको देनी है। अगर कस्टम ऐसे दिलाई है इनसाइड तो उसको हटा देना है। पहला तरीका तो ये है, आप यहाँ से क्लिक कर दें, अब ये हट गई है, इधर है ही नहीं, तो अब ये देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया और अब हम करते हैं ग्रीन कलर सेलेक्ट। ये हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और ये हमने 3PT सेलेक्ट कर ली, और अब आपको यहाँ दोबारा इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो इनसाइड की हैं, इनसाइड इसी तरीके से हैं, हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इसमें है ही नहीं इनसाइड की, तो अब ये सिर्फ आपकी ये दो लगेंगी। कुछ लोग इसमें गलत करेंगे, बाकी आप यहाँ से भी कलर इसमें सेलेक्ट करके, ये यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करने, दूसरा तरीका, यहाँ से ग्रीन कलर आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर आपने यहाँ से PT सेलेक्ट कर ली 3PT, और फिर यहाँ जाके डायरेक्ट आपको इनसाइड पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये वाली इनसाइड बॉर्डर, तो आपकी इनसाइड बॉर्डर लग जाएगी। टेबल के लास्ट कॉलम को जस्टिफाई अलाइन वे पिंक कलर में डाटा को हाईलाइट करना है। अब अलाइन से फिर आप कंफ्यूज हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं टेबल में, ये हम इसको द्वितीय टेबल कर देते हैं, यहाँ ये हमने द्वितीय टेबल कर दिए, द्वितीय टेबल के लास्ट कॉलम को जस्टिफाई और पिंक कलर डाटा देना। तो अब हम ये द्वितीय टेबल पर आ गए। मैंने कॉलम किस तरीके से, वही सेलेक्ट करने का वही तरीका, सेलेक्ट और ये कॉलम, अब जिसमें कर्सर खड़ा है तो वो कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। अब देखो जस्टिफाई का आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, जस्टिफाई का वहीं होम पर मिलेगा आपको। आपको कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, फ़र्क पड़े नहीं पड़े, आपको सिर्फ जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है और टेक्स्ट को पिंक कलर देना है।
ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपल है, और इसमें हाईलाइट इसमें चले जाओ ऑप्शन में आप सीधा, और इसको पिंक कलर से हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, टेबल की जो दूसरी रो है, दूसरी रो को रेड असेंट टू कलर में शेडिंग दें। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी द्वितीय टेबल कर देते हैं हम, यानी जो द्वितीय टेबल की दूसरी रो को रेड असेंट टू कलर में शेडिंग देना है। चलो फाइल पे चलते हैं हम। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा, मैं जब सीरियल नंबर डाल रहा था, ये हेडिंग थी फिर सीरियल नंबर मैं ऐसे डाल रहा था, तो कन्फ्यूज थे कि सर पहली रो कौन सी दूसरी कौन सी। अगर मैं नंबर डल गया तो फिर वो तो सेल वो डल ही गया, एड्रेस डल ही गया, लेकिन जब नहीं डल रहा है कुछ तो फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड रो ये हो गई। तो कर्सर छोड़ देंगे हम, सेलेक्ट करने का वही तरीका, सेलेक्ट रो। अब ये सेकंड रो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है, अब जाना है हमको डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद शेडिंग, शेडिंग में जाके देखो रेड असेंट टू, कर्सर छोड़ो आ जाएगा रेड असेंट टू, ये कलर इस तरीके से ये शेडिंग देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बच गया हो। ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैंने अभी आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, कुछ लोग गौर कर रहे हैं और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इन बातों को, वो गारंटीड उनका कुछ बेनिफिट उठाएंगे, और जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये सरल हैं ये इजी हमको आते हैं, वो गारंटी से मात खाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन हम गलत करेंगे और हज़ारों बच्चों से पीछे चले जाएंगे। अब आपको छोटी छोटी बातों में ध्यान दे रखें, अपने डीपली हार्ड तैयारी आप कर चुके, हार्ड क्वेश्चन भी मैं देते रहूँगा एक दो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अब आप बिल्कुल फोकस करेंगे हम एग्जाम पे, जिस तरीके से पैटर्न आ सकता है संभावना ज़्यादा है, संभावना कम की हम कम मेहनत करेंगे। पहले हम 10% हार्ड की मेहनत कर रहे थे कि भाई 10% हार्ड आ सकता है, तो हम हार्ड कर चुके हैं अब तक 14-15 टेस्ट सीरीज जितनी भी हुई हैं उसमें हार्ड क्वेश्चन हम ले चुके हैं और लेते रहेंगे, लेकिन 90% है कि इन्होंने टाइपिंग हार्ड दे दी, तो एफिशिएंसी हो सकता है इजी दे दें, 90% चांस इजी के हैं, लेकिन घुमा के देगा, अधीनस्थ बोर्ड है तो क्वेश्चन अच्छे देगा, लेवल अच्छे देगा उसका, तो उस तरीके से हम फोकस करते रहेंगे नेक्स्ट टेस्टों में। तो अगर आपको ये मेरा सॉल्यूशन वीडियो क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, आप मुझे पसंद करते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर करें ना करें आप लाइक ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, तो मुझे पता लगेगा मुझसे कि जो मैं बना रहा हूँ मेरी मेहनत है वो सफल हुई है कि नहीं हुई है, आपके लाइक कमेंट से ही मुझे पता लगेगा। तो आप लाइक ज़रूर करते हैं, मिलते हैं, बाय, थैंक यू, सी यू।